आज के व्लॉग में शाम के वक्त के जो मेरे काम धाम होते हैं ना, उनकी चर्चा करेंगे। शाम को मेरे क्या क्या काम हो जाते हैं, जो मैं शाम को भी इतना बिजी रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी, मेरे यूट्यूब परिवार, बाकी जो नए सदस्य हैं, सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह खुश होंगे। तो शाम का मतलब झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया, तो और उसके बाद ईशांत की यूनिफॉर्म की जो कमीज थी ना, मुझे वो धोनी थी। तो मैंने बाद में देखा, एक इसकी जो शर्ट थी वो साफ़ थी, धुली हुई थी, पर मैंने बाद में देखा जब तक ये गिल्ले हो गए थे। और मेरी ना ऑयली स्किन है, तो झाड़ू भी निकाला था और सो के भी उठी थी, तो मैंने पहले फेस धो लिया और मेरे फेस पे ना पिंपल भी हो गए, मतलब मोटी मोटी ना पुंसियाँ सी भी हो गई है। इस मौसम में आके हो जाती है, ऑयली स्किन है, तो मुझे 2-3 बार फेस धोना ही पड़ता है अपना। और यहाँ ना पीले वाली जो मधुमक्खी होती है ना, वो 2-3 घूम रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे काट ना जाए। तो अपना जो फेस है ना, वो क्लीन करके फिर ये कपड़े धुलूँगी। तो मैं कह रही थी कि मैंने शांत की कमीज बाद में देखी कि एक साफ भी थी, तब तक ये यहाँ गिल्ले हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो अब गिल्ले हो गए तो इनको धो ही देती हूँ, और मतलब और हमारे यहाँ ना मंगल, मतलब हमारे यहाँ तो मुझे पता नहीं, पर हमारे घर में मंगलवार को ना तो कपड़े धुलने होते हैं और ना ही बाल धोते हैं। तो ये ना मुझे एक मजबूरी जब हो जाती है ना, तब धुलने पड़ते हैं। तो मुझे लगा था कि मजबूरी है, क्योंकि शांत को सुबह स्कूल जाना है, तो फिर वो तो मजबूरी हो गई थी। पर उसकी एक शर्ट और थी, वो मैंने बाद में देखा, जैसे कि मैं पीछे बोल चुकी हूँ आपको, मैं वो मैंने बाद में देखी, नहीं तो फिर मैं ये कपड़े नहीं धुलती। तो अब इनको धोना शुरू कर दिया, तो धो ही देती हूँ। तो शाम के ना, शाम के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो भाई डेली, एक तो सुबह झाड़ू निकल जाता है, यानी कि झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है, तो एक फिर शाम को भी हमारे यहाँ झाड़ू हम निकालते हैं, आदत है शाम को भी, मतलब सारे घर में झाड़ू निकालना। और मेन डोर जो हमारी दहलीज होती है, उस पर भी हम झाड़ू निकालते हैं। तो ये ब्रश था, पर मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती, मेरे को ये ब्रश अब पसंद ही नहीं है, तो सॉरी। तो मैंने ना एक कट्टा होता है ना, कट्टा समझते होंगे, कट्टा जिसमें चावल आते हैं, आलू आते हैं, जाली से वाला होता है एक, तो उसमें से कुछ हिस्सा टुकड़ा काट लिया था। तो ब्रश की जगह मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, और काफ़ी अच्छे से ये क्लीन करता है ब्रश की बजाय, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छे से क्लीन भी करता है। तो साबुन लगा दी थी और अब बस इनको, इन पे वही कट्टे का जो मैंने ब्रश बनाया ना, वो इस्तेमाल कर रही थी। तो वाइट कपड़े धोने में ना थोड़ी सी तो दिक्कत रहती है भाई, है ना। और कुछ तो आज ईशांत स्कूल में गया था, बरसात आई हुई थी, जाते टाइम तो वैन में गए थे और आते टाइम ये स्कूटी पे आए थे, तो मतलब कि इन्होंने ना छींटे, इनकी शर्ट पे छींटे लगे हुए थे, तो वो थोड़ा सा निकालना ना मिट्टी के छींटे से दाग वो निकालना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो बस उन्हीं को निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी इस शर्ट पे मैं बार बार से ब्रश लगा रही थी, जो मैंने इससे बनियान से पहले धुली है। और आप सभी को पता है, मेरे पिछले व्लॉग जो देखते हैं, ईशांत बनियान नहीं डालता था, तो अब ये बनियान डालने लग गया है। तो धीरे धीरे अपने आप ही बच्चे भी भाई सीखते चले जाते हैं। तो एक और बहुत ही ज़रूरी बात, प्लीज़ वीडियो पे कोई भी नेगेटिव कमेंट मत किया करो। मैंने पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत किया करो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें फ़र्क पड़ता है, हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो जो मतलब कि हमें बिल्कुल तोड़ के ही रख देते हैं, है ना। तो अच्छे
मतलब अगर कमेंट करनी है भाई अच्छे कमेंट करो, जो दूसरों को भी अच्छे लगे खुद को भी अच्छे लगे, वरना मत किया करो, ठीक है ना। और यहाँ ना मेरे मुंह पे मक्खी, एक मक्खी ना गर्मी के मौसम में आई जाती है, वो मक्खी अक्सर बहुत तंग करती है, तो वो मक्खी बार बार ना मेरे कान में आके और मुंह पे आके बैठ रही थी। यहाँ ना मेरी नाक नहीं बह रही थी भाई, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ मेरी नाक बह रही थी, नाक नहीं बह रही थी, नाक में पानी चला गया था तो मैं उसको ऐसे निकाल रही थी। तो कपड़े धुल गए और यहीं साथ के साथ इनको सूखना डाल देंगे। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मुझे अब याद आए वीडियो एडिटिंग करते हुए कि बाहर ईशांत के कपड़े हैं, तो वो भी मैं उठा लेती हूँ, है ना, नहीं तो ये फिर बाहर रह जाएंगे और फिर समस्या हो जाएगी हमें, क्योंकि ये सुबह सुबह फिर नहीं सूखेंगे। तो कपड़े ले लिए और कपड़े सूखना डालने के बाद फिर चलते हैं किचन में। किचन के में कुछ चाय के बर्तन वगैरह हैं और थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा ईशांत के पापा आए थे तो मैंने खाना बनाया था ना, तो वो थोड़ी सी मैंने साफ़ कर दी थी, कुछ रह गई थी सेल्फ वगैरह और कुछ नहीं हुई थी, तो वो भी साफ़ करनी है, टोकरा खाली करना है बर्तनों का। तो किचन में भी इस टाइम ना किचन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, मुझे वो भी करने हैं। तो अब इसके बाद यहाँ से हम सीधे किचन में चलेंगे, है ना, तो किचन का अपना काम कर लेंगे। और ईशांत गया है ट्यूशन, और ट्यूशन से आने के बाद शायद वो भी आके ना बोलेगा कि खाना बना दो, क्योंकि मुझे पता है ना ईशांत ऐसे ही करता है कि उसने दोपहर को मतलब नहीं खाया था, ना के बराबर ही खाया था, और अब आके वो मतलब वैसे तो उसके लिए मतलब दूध वगैरह बना के रखती हूँ, पर वो ना आज खाना ही खाएगा। और बाहर मतलब कपड़े धोने के बाद मैंने सबसे पहले एक तो ये काम किया था, मैं गुड़हल के वो फूल और पत्तियां ले आई थी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आपको दिखाया था कि यहाँ से मैं ये लेके जाऊँगी, पार्क में लगा हुआ है एक प्लांट, इसका पौधा पेड़ हो गया अब तो, उस पे ना फूल लगे हुए थे, और ये फूल भी ले आई थी, पत्तियाँ भी ले आई थी, और मैंने जब मैं इनको लेके आई थी ना तभी अच्छे से धो लिया था, और मुझे फिर भी लगा कि चलो एक बार फिर से धो लेती हूँ, तो मैंने एक बार फिर से धो लिया इसको। और अभी ना गैस मैंने इसलिए नहीं चलाई क्योंकि पंखा भी मैंने किचन में चला रखा है, थोड़ा सलफ़ वगैरह गिल्ली थी क्योंकि आते ही सलफ़ वगैरह साफ़ की मैंने, और फिर उसके बाद ये काम करने लगी थी, तो सारे ये अच्छे से फूल पत्तियाँ साफ़ करके और इनको फिर उबाल के उसमें मेहंदी घोलनी है। तो ये जो सारा काम चल रहा है ना मेहंदी के लिए चल रहा है, क्योंकि ना मुझे भाई मतलब टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का भी नहीं, कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं अपने हेयर के बारे में बताऊं, हेयर के कुछ पूछते हैं भाई, बहुत पूछते हैं, पर मेरे पास ना मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अकेली क्या क्या करूं, है ना, क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, अगर कोई वीडियो बनाने वाला हो कोई हेल्प कर दे फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, अगर मतलब अकेले ही काम कर रहे भाई वीडियो बनाना एडिटिंग करना उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि कैमरे को एडजस्ट करना उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, बार बार देखना मतलब कि वीडियो कंप्लीट है पिक्चर कंप्लीट आ रही है या नहीं आ रही, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसमें एक तो मतलब मैंने पानी इतना ही डाला जिससे कि मेहंदी घुल जाएगी, अगर कम भी रहा ना थोड़ा वैसा पानी मिक्स कर लेंगे, इसको बस इतने पानी में उबाल लेंगे जितने में ये अच्छे से उबल जाए, है ना। और ये मेथी दाना ले लिया और साथ में हम ले लेंगे कलौंजी, तो वैसे भी अगर मेहंदी में नहीं लगाना और आप स्प्रे बोतल में इसको भर के ना इसको छान के पानी को भर के स्प्रे कर सकते हो बालों में, आपका एक भी बाल नहीं झड़ेगा, मैं गारंटी लेती हूँ भाई इस बात की, मतलब वहीं आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और जो बेबी हेयर है ना वो भी आने लग जाएंगे। तो ये बहुत बहुत और बिल्कुल फ्री जैसा है भाई, फ्री है,
है ना, मेथी दाना डाला वो भी थोड़ा सा, कलौंजी थोड़ा सा, गुड़हल के फूल आप कहीं से भी ले सकते हो, ये मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, पार्क में, मंदिर में, कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और उसके बाद भाई मलाई जमा दी थी तो उसको करने लगी थी मैं, उसको बाद में उबालूंगी, अभी पंखा चला रखा है, तो उसके बाद मलाई मतलब कि वो करने लगी थी मैं, मक्खन निकालने लगी थी, और ये चलती चलती भाई रुक गई, तो यहाँ मेरा काफ़ी सारा मतलब काम ख़राब हो गया। अब ये बीच में ही काम अधूरा रह गया, तो ईशांत के पापा आ गए थे, कहते पानी डाल लेते इसमें, मैं कह पानी अभी डाला हुआ था, तो ये ऐसे ही रुक गई। तो वैसे तो इसको दूसरे बड़े पतीले में डालना पड़ेगा, और फिर ये ठीक करके देखने लगे थे, पर ऐसे कहाँ ठीक होती है ना, ये दुकान पे ही लेके जानी पड़ेगी तब जाके ठीक होगी। और अभी के अभी मैंने शाम के पापा को भेज दिया था कि जाओ जल्दी और फिर इसको ठीक करा के ले आना, मक्खन निकाल लेंगे। और यहाँ ईशांत आ गया था, जैसे कि मैंने बताया था कि ईशांत आके ना खाना ज़रूर खाएगा, क्योंकि दोपहर को इसने ना कम ही खाया था, और फिर बस मैं इसके लिए खाना बनाने लगी थी। खाना बनाने का ना मतलब कोई वो टाइम टेबल है ही नहीं, मतलब सुबह ईशांत के लिए बनेगी, फिर ईशांत के पापा के लिए, फिर उसके बाद अपने लिए, फिर दोपहर को 11 बजे ईशांत आता है फिर बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद फिर मुझे भूख लगती है अपने लिए, अगर ईशांत के पापा को खानी होती है जब ईशांत के पापा आते तब बनती है, और फिर एक फिर शाम को ये इस टाइम। तो इस टाइम ना 6:30-7 का टाइम था ये, जब मैं ईशांत के लिए खाना बनाने लगी थी। तो चलो भैया आज के व्लॉग में इतना ही, तो कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, बाय।